फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फ्लफ़ी केक रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये केक बताने वाली हूँ। तो इसको कैसे फ्लफ़ी बनाना है और इसको कैसे डेकोरेट करना है, व्हिपिंग क्रीम कैसे बनानी है, ये सब मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में आगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, और आपको एक एक टेक्निक देखनी होगी उसकी, तभी आपका केक मेज़रमेंट के साथ अच्छा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सुपर फ्लफ़ी केक बनाने के लिए ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स हैं लिक्विड बैटर बनाने के लिए और ये हैं पाउडर बैटर बनाने के लिए। तो हम बताती हूँ आपको, हमें चाहिए 4 एग, 2/3 कप पाउडर शुगर, 1/2 कप ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, फ्लेवर्ड वाला और फ्लेवर ऑयल नहीं होना चाहिए कोई भी, 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस, 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा एंड 1/4 टीस्पून सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल और एक स्ट्रेनर। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी अपनी 1 कप मैदा और 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट। अब हम इन सबको स्ट्रेन कर देंगे। फ्रेंड्स, सारा स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब जो लम्स हैं ये निकल जाएंगे और हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो अब हम इसे रखते हैं अलग। तो फ्रेंड्स, एक और अलग से हम बाउल लेते हैं, उसमें डालेंगे हम अपने 4 एग। तो फ्रेंड्स, ये ले लिए मैंने अपने 4 एग। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून अपना वनीला एसेंस और अब हम इसे बीट करेंगे तब तक जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। जी फ्रेंड्स, आप ये बीटर भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर ले रही हूँ। इससे थोड़ा टाइम लगेगा, बस ये है आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे मेरा ये 10-15 मिनट में फ्लफ़ी हो जाएगा, इससे आपको एटलीस्ट 30 मिनट लगेगा। इसको मुझे लगभग 5-6 मिनट हो गए हैं चलाते हुए, ये इतना फ्लफ़ी हो गया है। अभी हमें इसे और फ्लफ़ी करना है, ये जो झाग हैं ये बिल्कुल क्रीम में फॉर्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे 8-10 मिनट हो चुके हैं इसे फेंटते हुए, ये इतना फ्लफ़ी हो गया है, एग में फ्रॉथ आ गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी पाउडर शुगर। तो हम इसे 1/2-1/2 करके 2 बार में डालेंगे मिक्सर को, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने आधा डाल लिया, अब मैं इसे मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं अपनी ये बाकी की बची हुई पाउडर शुगर डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, शुगर डालने के बाद ये और भी ज़्यादा फ्रोथी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपना वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल डालने के बाद ये और भी ज़्यादा फ्रोथी हो जाएगी। फ्रेंड्स, देखिए इसमें कितनी फ्रॉथ आ चुकी है। अब हम इसे मैंने इसे लगभग 15 मिनट तक बीट किया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो फ्रेंड्स, अब मैंने रबर का स्पैटुला ले लिया है। इससे हम कट एंड फोल्ड के मेथड से, वो मेथड कैसा होता है मैं आपको बताऊंगी। तो मैं यहाँ पर पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूंगी। 4 चम्मच डाल लेती हूँ पहले मैं, और मैं आपको फिर बताऊंगी कैसे कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसको मिक्स करना है। कट एंड फोल्ड मेथड से इसलिए क्योंकि नहीं तो इसकी फ्रॉथ पे असर पड़ेगा, अगर हम इसे बीट करेंगे तो फिर वो केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना बाकी का बचा ड्राई बैटर डाल लेती हूँ इसमें सारा, थोड़ा फैला के इसको डालना है। अब मैं आपको बताती हूँ कट एंड फोल्ड कैसा मेथड। इसको एक बार पूरा ऐसे टर्न करना है पैटिला को, फिर ये कट करना है, पूरा टर्न करना है फिर कट करना है, इसे बोलते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। तो फ्रेंड्स देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है कट एंड फोल्ड मेथड से, और इसे लगभग मैंने 4-5 मिनट के लिए मिक्स किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ले लिया है केक टिन, इसको पूरा बटर लगाना है, बटर या ऑयल आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो पहले इसको पूरा ऑयलिंग कर लेना है, मैं इसको यहाँ पर पूरा ऑयलिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने अपना पूरा ये ऑयलिंग कर लिया इसमें, अब मैं इसमें डालूँगी बटर पेपर, और मैं बटर पेपर को भी अच्छे से ऑयलिंग कर दूँगी। अच्छे से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने साइड्स में भी बटर पेपर लगा लिया है ताकि हमारा केक अच्छे से निकल आए। अब हम इसमें डालेंगे अपना बैटर। फ्रेंड्स ये मैंने ले लिया है अपना बैटर इसके अंदर, ये जो आप इसमें झाग देख रहे हैं ना बबल्स पूरे, इसी की वजह से ये एकदम सुपर फ्लफी होगा। तो हम इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे और फिर हम इसे रखेंगे ओवन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है मेरा IFB का ओवन, और मैं आपको इसकी सेटिंग बताती हूँ केक बनाने के लिए। तो इसमें हमें ये एक प्री हीट का ऑप्शन मिलता है, तो हम इसे प्रेस करेंगे तो ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको शो करेगा जब इसे दबाएंगे। तो आप इसको 200 पे लेके आना है, इसको आपको इसमें जितनी बार दबाएंगे 10 प्लस होता जाएगा। तो ये मैंने एक बार दबाया 20 हो गया, तो मैं इसे 200 पर लेके जाऊंगी। तो 200 पर मैं इसको 3 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी। 3 मिनट मैंने अपना टाइम सेट कर लिया, अब मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी। तो हमारा ओवन अब प्री हीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब केक बेक करने के लिए इसकी सेटिंग हमें करनी है, हमको ये प्रेस करना है माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन। तो इसको प्रेस करेंगे तो 170 पर इसको लेके जाएंगे। एक बार और प्रेस कीजिए, 40 हो गया। एक बार और प्रेस करेंगे तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आ गया है। अब इसको मैं 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स टाइम सेट हो गया है, अब मैं इसे स्टार्ट कर दूंगी। तो अब हमारा केक हो रहा है बेक। फ्रेंड्स अब 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम अपना केक निकाल के एक बार और चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारा केक लगभग बेक हो चुका है, अब हम इसे चेक करेंगे कि ये बेक हुआ कि नहीं। तो हम लेंगे एक नाइफ़ और हम इसके एकदम सेंटर में डालेंगे और देखेंगे अगर ये ये देखिए एकदम क्लियर चाकू है, तो इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गया है। अगर आपका ये अच्छे से बेक नहीं हुआ होता तो इसमें आपका बैटर चिपक जाता। तो ये मेथड है इसको चेक करने। तो फ्रेंड्स अब हम अपना केक 10-15 मिनट के लिए मोल्ड में ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डीमोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स अब मैं इसे डीमोल्ड कर लूँगी। अगर आप मेरे में यहाँ पे ये ओपन करने के लिए नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप इसमें एक प्लेट उल्टा रखिए और इसे उल्टा करके डीमोल्ड कर लीजिए। मैं इसे अपने यहाँ पर खोल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये कितना फ्लफी बना है, ये देखिए यही है केक की पहचान कि ये बहुत फ्लफी है। अभी ये यहाँ से मुझे और डीमोल्ड करना है। बटर पेपर निकाल लूँगी। अब मेरा केक रेडी है, ये थोड़ा सा गर्म और है, अभी हम इसमें इसे और थोड़ा ठंडा होने देंगे लगभग आधा घंटे के लिए, फिर हम इसकी स्टार्ट करेंगे डेकोरेशन।
फ्रेंड्स, अब हम अपने केक को डेकोरेशन करने के लिए व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे। व्हिपिंग क्रीम के लिए सबसे पहले हम लेंगे फुल हैवी क्रीम। ये मैंने अमूल की फुल हैवी क्रीम ली है, 500 ml है ये। और ये मैंने ली है आइसिंग शुगर 200 ग्राम। तो आपके पास अगर आइसिंग शुगर नहीं है तो आप अपने चीनी को मिक्सी में पीसिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, और उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने ली है ये आइस क्यूब्स। तो ये आइस क्यूब्स का बाथ देते हैं हम इसे बोलते हैं आइस क्यूब का बाथ। तो इससे क्या है कि हमारी क्रीम को ठंडक रहेगी, गर्मी नहीं रहेगी, क्योंकि आजकल गर्मी है तो वरना ये पिघल जाएगी। तो इसलिए इसको आइस बाथ में बीट करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसको 10 to 15 मिनट बीट करूँगी अच्छे से। मुझे हो गए हैं लगभग इसको 5 मिनट बीट करते हुए। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच अपना आइसिंग शुगर, लगभग 2 चम्मच डालना है, और फिर से इसको बीट करूंगी दो तीन मिनट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने इसको 2-3 मिनट और बीट कर लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच और आइसिंग शुगर डालूंगी, और इसी तरीके से आपको 2-2 चम्मच करके इसको बीट करते रहना है और अपनी आइसिंग जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये बिल्कुल भी रनी नहीं है। इसका पहचान ये है, व्हिपिंग क्रीम आपकी रेडी हो गई है, कि ये बिल्कुल भी फिर टपकती नहीं है। आप अपने बोल को उल्टा करके देखिए, ये बिल्कुल गिरेगी नहीं। तो यही इसकी पहचान है कि आपकी व्हिपिंग क्रीम रेडी है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको आधी व्हिपिंग क्रीम अलग ले लूँगी, जिसे मुझे कलर मिलाना है जिसमें, और आधी मैं वाइट ही रखूँगी वो अपने केक को कोट करने के लिए। तो इसमें मैं मिला दूँगी अपना कलर, जो भी कलर आपको लेना है आप अपने मनपसंद का कलर ले सकते हैं। मैं अपना यहाँ पर ले रही हूँ ब्लू, लिक्विड फूड कलर है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको स्काई ब्लू कलर चाहिए मेरा ये, आप अपने पसंद के हिसाब से कलर डालना है। लाइट करना है तो 4 से 5 ड्रॉप डालिए। मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क चाहिए मुझे, तो मैं कम से कम 10 से 12 ड्रॉप अपने कलर की डाल लूँगी। और सेम कट एंड फोल्ड के मेथड से इसे मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये मैंने अपना कलर मिक्सिंग कर दिया है। मैंने थोड़ा वाइट और इसका कॉम्बिनेशन लिया है, तो इसको मैं तुरंत फ्रिज में रख दूँगी, वरना इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ये मक्खन बन जाएगा। जब तक मैं अपने वाइट व्हिपिंग क्रीम को कोट करूँगी, और ये मुझे तब तक रखूँगी जब तक मुझे डेकोरेशन के लिए निकालनी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी यहाँ पर ले लिया टर्न टेबल, उसके ऊपर मैं रखूँगी केक। अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी रखिए नीचे थोड़ी लंबी सी, और उसके ऊपर एक प्लेट रखिए, आपकी टर्न टेबल रेडी है। फ्रेंड्स, अब मैं अपने केक को 2 पार्ट में कट कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरा केक कट हो गया है। तो आपको ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको नीचे रखना है इस तरीके से, और ये वाला पार्ट, क्योंकि ये एकदम इसका पूरा सरफेस इक्वल होता है इसलिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना रेडी कर लिया है शुगर सिरप। मैंने शुगर सिरप बनाने के लिए पानी में अपनी पीसी हुई शुगर मिक्स कर ली है। तो अब हम अपने केक में इसको स्प्रेड करेंगे अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल अंदर तक चली जाए, केक अपने आप ही इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने अपनी पूरा शुगर सिरप लगा दिया। अब हम इसमें अपना एक छोटी सी लेयर आइसिंग की, ये अपनी व्हिप क्रीम की लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पूरी लेयर लग गई है एक। अब मैं इसे शुगर सिरप से अच्छे से कोट कर लूँगी। तो ये रख दिया मैंने, अब मैं इसे ऊपर से कोट कर दूँगी शुगर सिरप से अच्छे से। शुगर सिरप से कोट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी आइसिंग अच्छे से इस पर सेट हो पाएगी। तो अब ये अच्छे से सिरप लग गया है इस पर, अब हम इस पर स्टार्ट करेंगे आइसिंग।
करना। फ्रेंड्स ये मैंने अब अच्छे से कोट कर लिया है। अब मैं इसको कम से कम 10 टू 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आइसिंग शुगर थोड़ी पिघलने से लग गए इसलिए। फ्रेंड्स ये हमने फ्रिज में से निकाल लिया है अपना केक, आइसिंग सेट हो चुकी है। अब मैंने अपनी ब्लू कलर की क्रीम पाइपिंग बैग में डाल ली और मैंने ये वाला नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके हम आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं थोड़े से बीच में फ्लावर बना ले रही हूँ। फ्रेंड्स रेडी है मेरा ये केक। मैंने बीच में और एक दूसरा नोज़ल लेके फ्लावर बना दिया है। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा केक। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसको मैंने लगभग 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा, तब ये थोड़ा अच्छे से सेट हो गया। तो इसे सेट करने के लिए आप ज़रूर रखिए। तो अब मैं आपको इसकी लेयर कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितना फ्लफी केक बना है, एकदम ऐसे ही कट हो रहा है। वाह ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लेयर आई है। आप चाहें इसमें 2 लेयर बना सकते हैं, 3 लेयर, मैंने यहाँ पे 1 लेयर बनाई। ये देखिए फ्रेंड इसका स्पॉन्ज मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना अच्छा स्पॉन्ज आया है इसमें। तो आप इसे टेस्ट कीजिए और बनाइए घर पे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको केक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय बाय।